भोजपुर में बेमौसम बारिश से आई अन्नदाता पर आफत। किसानों के गेहूं और सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल आंधी और बारिश के चलते जमीन पर बिछ गई है। चंद दिनों पहले पश्चिमी विक्षोभ ने बिहार के कई जिलों को अपनी जद में ले लिया। अचानक तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी है। भोजपुर के कई इलाकों में बेमौसम बरसात ने रबी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेतों में लगी फसलों पर बारिश का असर हुआ है, वो भी तब जब जिले के कुछ हिस्सों में चना, मसूर और सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है। खेतों में फसल पककर तैयार है, लेकिन बारिश ने किसानों की अच्छी पैदावार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। तैयार हो रही गेहूं की फसल आंधी और बारिश के चलते जमीन पर बिछ गई। जिन इलाकों में तेज बारिश हुई वहां बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। चना, सरसों और गेहूं पर बारिश का असर हुआ है। मसूरी और खेसारी की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश से आम के पेड़ से मंजर गिर गए। सदर, सहार, अगियाओं, बिहिया, जगदीशपुर में नुकसान पहुंचा है। संदेश और शाहपुर में भी बारिश का असर देखने को मिला। यह होता कि पानी बरखला से जवन फसल पाक गुल बटे उनखे कटल, ओकर स्थिति खराब हो गई, ओकर मुँह खुल गई, किसान के परेशानी हुई, अनाज खेत में झड़ जाए और दूसरा का परेशानी। जन कट गिल बा फसल ओकरा में कट गिल बटे तवन करीब करीब कुछ ठीक बा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बारिश में कहीं कहीं गेहूं की फसल गिर गई है और सरसों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन हवा लगते ही ये ठीक हो जाएगा। बारिश से नुकसान जरूर कम हुआ है, लेकिन मौसम को लेकर जो आसार बन रहे हैं उससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। लेकिन खेत में काम करने वाले लोग परेशान हैं। खेत में काम कर रही राम कालू देवी का कहना है कि अभी तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मौसम को लेकर आसार हैं और जिस तरह से मौसम करवटें ले रही है उससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो काम भी नहीं मिल पाएगा। परेशान होता ही मैंने पीलू खती खा जला तो इन्हें अपन पैसा कौड़ी जुड़ल तो डर रही डाला लगनी खा जुड़ल तो घाटा जला टेंशन नहीं की के लेकिन ना कोनो जरूरी ना होला घटो चल जाला घटो चल जाला। इस महंगाई के समय में खाद, बीज, जुताई और सिंचाई सहित खेती का खर्चा काफी महंगा हो चुका है। इससे किसान कर्ज लेकर ही पूरा करता है और इस बारिश ने जिले के किसानों को प्रभावित किया है। राहत यही है कि बारिश ज्यादा हुई नहीं है, लेकिन अगर बारिश का रूप बदलता है, ज्यादा बारिश होती है तो ये परेशानी ज्यादा बढ़ने वाली है। आरा से विशाल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार, झारखंड।